राम राम दोस्तों, मेरा चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो दोस्तों गाड़ी की मैंने अपनी थर्ड सर्विस करवाई है। तो पहली सर्विस तो वो नॉर्मल चेकअप होता वो हुई थी, दूसरी सर्विस हमारी हुई थी इसकी वो फ्री सर्विस थी, और तीसरी सर्विस जो है वो पेड सर्विस हुई है। क्या है दोस्तों, बहुत सारे चैनल हैं जो वीडियो बनाते हैं लेकिन वो बड़ी गाड़ियों की सर्विसेज या उनके पार्ट्स कितने आते हैं, कितने के पार्ट्स आते हैं, क्या आता है, उन चीज़ों पे बनाते हैं, उनका रिव्यू करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल जो अपनी हैचबैक होती है आल्टो के बराबर मेरी गाड़ी है डैटसन रेडी को, तो इसकी जो थर्ड सर्विस है वो कितने रुपए की होती है, कितना मुझे खर्चा आया, क्या क्या मैंने इसमें चेंज करवाया और क्या क्या चेंज करने की ज़रूरत पड़ी थी या नहीं थी, वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना और शेयर करना, क्योंकि जो छोटी गाड़ियों के ओनर हैं उनको इन चीज़ों के बारे में कम ज्ञान होता है, और वो जब शोरूम पे उधर सर्विस सेंटर पे जाते हैं तो उनसे कुछ चार्ज करते ही हैं वो थोड़ा ज़्यादा कि सर ये भी बदलवा लो, सर ये भी बदलवा लो, तो ऐसा काम उनका मतलब उनसे पैसा ज़्यादा वो ले लेते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको सर्विस का जो उन्होंने मुझे बिल दिया था, मुझे कितना क्या लगा था, एक एक चीज़ें बताऊँगा उसमें, क्या मैंने उसमें चेंज करवाया क्या नहीं चेंज करवाया, और क्या एक्चुअल में कोई चीज़ें हमें चेंज करवानी ज़रूरी है सर्विस पर, या हम उसको अवॉइड कर सकते हैं नेक्स्ट हम जब जाएँ सर्विस पर, या हमें जब ज़रूरत हो हम उसको तब करवाएँ। तो चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको मैंने सर्विस में क्या क्या चेंज करवाया है। अगर मैं उसका बिल का स्क्रीनशॉट भी वीडियो में लगा दूंगा, अगर आपको सही से नहीं दिखेगा तो मैं पढ़ के भी वैसे आपको बताऊँगा कि मैंने ये चेंज करा, उसका प्राइस बताऊँगा मुझे कितनी सर्विस पड़ी है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं, तो दोस्तों चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको मेरी गाड़ी कितना एवरेज देती है, कितने किलोमीटर चली है, क्या कुछ उसमें इंडिकेशन रहते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर और मेरे हाथ में मेरा बिल है मेरी पेड सर्विस का, शायद आपको नहीं दिखेगा, अगर इसकी आप देख सके प्राइसिंग, अगर नहीं देखेगी तो भी मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट में आपका लगा ही दूंगा इसके साथ में ना, तो मैं बता देता हूँ आपको पढ़ के। दोस्तों मैंने इसमें फ़िल्टर ऑयल चेंज करवाया है, ठीक है ना, जो मेरा पड़ा है 116 रुपए का प्लस GST वो टैक्स अलग रहता है। इंजन ऑयल मैंने चेंज करवाया है, ठीक है, मैंने एयर फिल्टर कार का चेंज का कार्टेज वगैरह चेंज करवाया इसका जो भी लिखा इसने, एक स्क्रू वगैरह कुछ होगा वो उन्होंने डाला है 39 रुपीज़ का। तो ऑन एन एवरेज ये जो मेरी बनी है कॉस्ट थर्ड सर्विस की, पेड सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं, लेबर लगी थी मेरी 1200 रुपये जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, पार्ट्स टैक्सेबल जो अमाउंट था वो मेरा 1006 रुपये का बना था, और ये आपका GST लग के जो मेरी टोटल जो मैंने पेड किया था मेरी थर्ड पेड सर्विस में 2616 रुपये। तो देखिए इस गाड़ी की इतनी महंगी सर्विस नहीं है इससे, तो दोस्तों बस यही था आपको बताना था कि पेड सर्विस इसकी कितने की है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी डैटसन रेडिगो की पेड सर्विस कितनी होती है। ठीक, अभी गाड़ी कर लेता हूँ मैं, एक बार स्टार्ट चाबी डाल ले देता हूँ, ठीक है दोस्तों, और दिखाता हूँ इसकी क्या कुछ एवरेज रहती है। देखो मेरी गाड़ी अभी चल चुकी है 16476 टोटल, और इसमें क्या क्या मोड रहते हैं आपके, ये आपका 9:22 आप चेंज करोगे इसको, ये देखिए ये तो मेरा ट्रिप है, इसमें एक ही ट्रिप मीटर होता है। अच्छा देखो मेरी एवरेज ये गाड़ी दे रही है पेट्रोल में, मेरी ये 1 लीटर डैटसन रेडिगो 20.4 किलोमीटर पर लीटर, ये मेरा सिटी और हाईवे मिलाकर इतना ही आता है। ठीक है दोस्तों इतना ही था वीडियो में, क्योंकि मैं इतना टेक्निकल हूँ नहीं, ना मेरा मोटर व्लॉग का चैनल है, जैसे मैं अपने यूज वाली चीज़ों को, जो मेरी गाड़ी होती है बाइक होती है उसकी सर्विस है, क्या उसमें प्रॉब्लम आती है उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग भी कुछ समझ सकें सीख सकें उससे, बस मेरी यही कोशिश रहती है दोस्तों। और मेरा चैनल है कॉमेडी चैनल है, उस पर कॉमेडी की वीडियो आनी शुरू हो गई है, हर सैटरडे को, एक सैटरडे छोड़ के अगले सैटरडे को मेरी वीडियो आती है। अगर आप लोगों को वैसी कॉमेडी की वीडियो देखना है तो पसंद है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आया सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सके, तो मेरी जो सब्सक्राइब के पास में बेल का बटन आ रहा है उस बेल बटन को भी प्रेस कर ले, तो सब वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, राम राम दोस्तों, जय हिंद जय भारत।